हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है डियर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद रंजन सर पे। यार आज हम आपके लिए लेकर आए, जैसा आपको थंबनेल से दिख गया होगा कि आज हम इन टाइम और ऑन टाइम को बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे और आज के बाद जो भी आपका कंफ्यूजन है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। कब हम ऑन टाइम यूज करेंगे, कब हम इन टाइम यूज करेंगे, आज बिल्कुल डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूँ। डियर, जब हम बात करते हैं इन टाइम या ऑन टाइम की, ठीक है, तो सबसे बड़ी जो हमारी समस्या होती है, कुछ लोग आफ्टर, बिफोर, कुछ इस तरह से मीनिंग के लिए पढ़ते हैं, बट आज हम आपको कुछ नए तरीके से बताने वाले हैं। डियर, आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। डियर, फेसबुक पे सर्च कीजिए रंजन सर इंग्लिश, सेम चीज आप सर्च कर सकते हैं सर टेलीग्राम पे, और ट्विटर पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी हो डियर तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, टेलीग्राम में आप सर्च करिएगा t.me/ranjansirenglish, एंड साथ ही साथ आप हमारे ब्लॉग को भी रीड कर सकते हैं www.totalexam.com पर जाकर के। डियर, आज ऑन टाइम, पहले हम देखेंगे ऑन टाइम क्या होता है। ऑन टाइम, ऑन टाइम मीन्स दैट देयर इज अ स्पेसिफिक टाइम फिक्स्ड। अब एक बात कर रहे हैं हम कि वैसी टाइम जो एक स्पेसिफिक है, कोई खास टाइम है जिसको फिक्स कर दिया गया है, When something is supposed to happen, और ऐसा मान के चल रहे कि उस समय कोई ना कोई चीज होगा, and it is happening at the planned or given time, और वो action जो होने वाला है वो बिल्कुल planned time पे या given time पे हो रहा है, ठीक है। On time कहने का मतलब हो गया कि कोई वैसा time जो हमें दे दिया गया है, ठीक है, और जो actions हो रहा है वो बिल्कुल उसी given time पे हो रहा है, ना तो हम उसके पहले कह सकते हैं ना हम बाद में कह सकते हैं। तो दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते, दूसरा पॉइंट हमारा है कि ये पंक्चुअलिटी को दर्शाता है, मतलब अगर हम ऑन टाइम बता रहे तो ये पंक्चुअलिटी को दर्शाएगा। अगर इसी की बात करें इन टाइम की, तो इन टाइम मींस दैट समथिंग हैपेंड एट द लास्ट मोमेंट बिफोर इट वाज टू लेट, मतलब होता तो ये भी है समय से पहले ही, लेकिन इतना लास्ट पॉइंट पे होता है, इतना लास्ट पॉइंट पे होता है डियर, जो ऐसे लगता है कि शायद अब माइट भी मिस कर जाता है। तो ये पंक्चुअलिटी को बताता है, जबकि इन टाइम लेटनेस को बताता है, मतलब जहां पर अगर आप कोई काम ऑन टाइम करते हैं तो इसका मतलब हो गया कि जो गिवन टाइम है आप बिल्कुल पंक्चुअल थे, लेकिन जैसे आप कहते हैं कि आई डिड इट इन टाइम, मैंने इसको इन टाइम किया, इट मींस आप जरूर वहां पर थोड़ा सा लेजी हो गए। हम इसके स्लैश में लेजी भी लिख सकते हैं, ये लेजीनेस को शो करता है इन टाइम। जब आप किसी एक्शन को लेकर के लेजीनेस शो करते हैं और बिल्कुल एट द लास्ट मोमेंट ऑफ टाइम कोई आप एक्शन करते हैं, उसको हम इन टाइम कहेंगे। It is used to talk about something which occurs, होता है और is performed या किया जाता है, और on set expected time and is not late, देखेंगे कि expected time पे action हो जाता है, ठीक है, perform कर दिया जाता है और ये late नहीं होते हैं। Whereas in time का मतलब होता है dear, often points out that you do not have sufficient time between now and when something is expected to take place, मतलब आपके पास जो अभी है, मतलब अभी का time और जो कुछ होने का टाइम है, इनके बीच में जो गैप होता है बिल्कुल ना के बराबर होता है। जैसे सपोज इसको एक छोटे से एग्जांपल्स के थ्रू मैं समझाने की कोशिश करूंगा डियर। जैसे सपोज मान लीजिए आप किसी बैंक में जॉब करते हैं, आप किसी बैंक में जॉब करते हैं एंड द गिवन टाइम इज 10 o'clock, मतलब 10 o'clock में आप जो भी वहां पे कस्टमर है आप उनको डील करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। अब आप ऑफिस पहुंचने का टाइम जनरली हम 9:30 मान के चलते हैं कि 9:30 में बैंक कर्मचारी ऑफिस पहुंच जाते हैं एंड 10 बजे दे स्टार्ट वर्किंग, वो काम करना शुरू कर देते हैं। अब सपोज मान लिया जाए कि आप 10 बजे ऑफिस पहुंचते हैं, बैंक पहुंचते हैं, क्या आपके सिस्टम ऑन करने या आपका काम शुरू होने और कस्टमर के आने के बीच में कोई दूरी हो, कोई सॉरी डिफरेंस होगा, कोई टाइम ड्यूरेशन होगा? नहीं, क्योंकि 10 बजे आपका काम स्टार्ट हो जाता है और आप 10 बजे ही ऑफिस पहुंचे, मतलब अब आपको यहां पर टाइम नहीं मिलेगा कि आप किसी से मिल सके, छोटी मोटी बातें कर सके। अगर आप 9:30 में पहुंचते हैं, 10 बजे से सारे काम स्टार्ट होते हैं, तो आपके पास आधे घंटे का एक लीजर टाइम होता है जहां पे आप कुछ कर पाएंगे। लेकिन अगर आप 10 बजे पहुंचे रहे ऑफिस, तो दैट इज कॉल्ड इन टाइम, That is called in time.
और अगर 10 मिनट में आप 10 मिनट लेकर के चल रहे हो कि 9:50 तक हम पहुंच रहे हैं, 9:45 तक पहुंच रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ऑन टाइम। ऑन टाइम का मतलब जो गिवन टाइम है एग्जैक्टली ऑन टाइम वही होता है, बट ये पंक्चुअलिटी को दर्शाता है, मतलब हम लेट तो नहीं हुए। जैसे हमारा काम शुरू होगा, हमारे काम और हमारे पहुंचने के बीच में जो ड्यूरेशन होगा वो बिल्कुल थोड़ा सा ज्यादा होगा, और इन टाइम में दोनों के बीच में ड्यूरेशन कम होगा। इसे समझें कि यहाँ पर जैसे 9:30 का था अराइविंग टाइम, तो बंदा 9:30 पे ही पहुंचता है, 10 बजे से बैंक स्टार्ट हो रहा, वो 9:30 बजे ही पहुंचता है, तब वो बोलेगा आई एम ऑन टाइम, मैं समय पर हूँ। क्योंकि छोटी छोटी चीजें हमें सिस्टम ऑन करना है, ये सारी चीजें देखना है, सारी चीजें क्लियर करके रखना है, तो मैं 10 बजे बिल्कुल रेडी हो जाऊंगा अपने काम के लिए। तो यहां पर जो जैसे एज यूजुअल था गिवन टाइम पे होगा, लेकिन यहां पर लेजीनेस या लेटनेस को मीनिंग देगा। देखिए अब दोनों को एक एक एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। हर जॉब इंटरव्यू शेड्यूल फॉर 2 PM। अब उसका जॉब जो शेड्यूल हुआ है इंटरव्यू, वो 2 बजे हुआ है, ठीक है, एंड अब वो बिल्कुल 2 बजे वहां पर पहुंच जाती है, बिल्कुल 2 बजे वहां पर पहुंच जाती है। जैसे मैंने थोड़ा सा भी बोला कि वो 1:50 पे भी पहुंच जाती है, ठीक है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि मैं बिफोर कर रहा हूं, इस बात का ध्यान रखेंगे, मैं बिफोर नहीं कर रहा हूं, मैं 10 मिनट इसलिए लेकर के चल रहा हूं कि उसके जो भी एक्शन करना होगा और उसका पहुंचना होगा कहीं, ठीक है। क्योंकि हम इन टाइम और ऑन टाइम यूज कब करेंगे, जब हमें यही बताना होगा कि कोई कहीं पहुंचा है, कोई कुछ काम कर रहा है, तब ये हम यूज करेंगे। तो ऑन टाइम का मतलब एग्जैक्ट ऑन टाइम, मतलब वो 2 बजे वहां पहुंच गए। हम ऑन टाइम में ये भी रेफर कर सकते हैं कि इफ यू आर टेलिंग कि आई विल रीच ऑन टाइम, तो कहने का मतलब जो भी चीजें हैं हम एग्जैक्ट ऑन टाइम बोल सकते हैं या हम थोड़ा सा पहले बोल सकते हैं, लेटनेस इसमें नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब कहा जा रहा है कि इफ शी अराइव्स देयर एट 2 PM शी इज ऑन टाइम फॉर द इंटरव्यू। अब 2 बजे वहां पहुंचती है और 2 बजे से उसका इंटरव्यू स्टार्ट है, तो बिल्कुल वो सही टाइम पर है, वो बिल्कुल ऑन टाइम है। नाउ फॉर इन टाइम, अ मैन वॉज सीरियसली इंजर्ड। अब एक आदमी बिल्कुल सीरियस इंजर्ड हो जाता है, द विलेजर्स टुक हिम टू द हॉस्पिटल जस्ट इन टाइम। जस्ट ऐसे हम यहां से रिमूव कर देते हैं, क्योंकि जस्ट का यूज हम थोड़े से अभी आगे हम आपको बताएंगे, ठीक है। जस्ट को मैं यहां से रिमूव कर दे रहा हूं, चलिए। तो यहां पर हमें चीजें समझ में आई, अ मैन वॉज सीरियसली इंजर्ड, द विलेजर्स टुक हिम टू द हॉस्पिटल। बहुत इंसान वो सीरियसली इंजर्ड था, लोगों ने जो ग्रामीण लोग थे वो उसको हॉस्पिटल ले गए इन टाइम। अब इन टाइम का क्या मतलब होगा, मतलब इसका मतलब हो गया कि इफ दे हैडंट अराइव्ड एट द हॉस्पिटल ही माइट हैव डाइड। मतलब जो भी ऐसा सिचुएशन था बिल्कुल आखिरी पॉइंट, बिल्कुल माइट भी यहां पर लेट हम शो कर सकते हैं कि वो लेट हो सकते थे, लेकिन इतना लेट नहीं कि जिसको हम कह दें कि लेट हुआ, लेकिन बिल्कुल वो आखिरी पॉइंट पे पहुंचे हैं कि अगर अ लिटिल सेकेंड, ठीक है, अगर एक छोटा सा सेकंड भी वो देर हो जाते वो मर जाता। तो इन टाइम का मतलब ऑन टाइम का मतलब बाद में किसी में नहीं होता, इस बात का ध्यान रखेंगे, ना ऑन टाइम में बाद में होगा ना इन टाइम में, इसमें हम बिफोर को कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। इन टाइम में हम आफ्टर को कंसीडर नहीं कर सकते, आफ्टर को कंसीडर हम नहीं करेंगे, बट एट द नीक ऑफ टाइम आप बोल सकते हैं, एट द नीक ऑफ टाइम, ठीक है। तो कहने का मतलब हुआ कि अगर आप बोल रहे हैं इन टाइम, ठीक है, अगर सपोज आप मान के चल रहे हैं आप ये कह रहे हैं इन टाइम, ठीक है, तो इन टाइम का मतलब हो जाएगा कि बिल्कुल आखिरी पॉइंट, बिल्कुल आखिरी पॉइंट पर। आई होप चीजें बिल्कुल क्लियर हो गया होगा ऑन टाइम और इन टाइम में, कंफ्यूजन ना रहे इसलिए मैं अगेन आपको रिपीट कर दे रहा हूं, ऑन टाइम और इन टाइम, एकदम जो गिवन टाइम है वहां, एंड एट द लास्ट मोमेंट, आप इसको कहते हैं एट द लास्ट मोमेंट। अब और इसको क्लोज जाकर के समझाऊं, जैसे मान लीजिए कि कहीं किसी एक्शन में कोई फंक्शंस में ऐसे है कि भाई 2 बजे पहुंचना था, जैसे अभी इंटरव्यू वाले हमने इंटरव्यू लिए, क्वेश्चंस लिया 2 बजे, अब वो इंसान बिल्कुल 1:59 पे ऐसे पहुंचता है, दिस इज कॉल्ड इन टाइम, आप ये समझ के चल सकते हैं। एंड ऑन टाइम का आप ये मान के चलो कि 1:55 पे पहुंच गया, 1:56 पे पहुंच गया, 1:57 पे पहुंच गया, इसमें पॉइंट मान लेंगे, ठीक है, 1:58 पे पहुंच गया, या एग्जैक्टली 2 बजे। आई होप कि इन टाइम और ऑन टाइम अब आपको परेशान नहीं करेगा,
बिल्कुल डिटेल में मैंने आपको बता दिया है। कोई भी क्वेरी हो डियर, आप लोग कमेंट करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए डियर, मिलेंगे हम एक नए वीडियो में, तब तक जाते जाते जय हिंद जय भारत।